आज मैं आपको तीन एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इनकी खास बात ये है कि सभी उम्र के लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मेल है, फीमेल है, सब लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। ये एक्सरसाइज सभी कर सकते हैं, बस सिवाय उनके जिनका कोई ऑपरेशन ना हुआ हो, जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या किसी भी चीज का ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन वाले ट्राई ना करें। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तब वो ट्राई कर सकते हैं। आज की जो एक्सरसाइज बताऊंगी वो तो आपको करना ही है। इस वीडियो के बाद एक एक्सरसाइज मैं आपको ऐसी बताने वाली हूँ जिसको बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं, जो कि हिल नहीं सकते, जिनसे कोई एक्सरसाइज नहीं होती, वो अगर करेंगे तो वो भी पतले हो जाएंगे, उनका बेली फैट कम हो जाएगा। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ? तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको वार्म अप करना जरूरी है। आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, 5 मिनट की कर सकते हैं, 10 मिनट की कर सकते हैं या 2 मिनट की कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी करना चाहते हैं। इसके साथ ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो भी आपको आती है, आपने कहीं भी देखी है या मेरी एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर ले, जिससे बॉडी आपकी वार्म अप हो जाए अच्छे से, कोई आपको दिक्कत परेशानी ना हो। अब देखते हैं कि पहली एक्सरसाइज में क्या करना है। सबसे पहले अपनी लेग को दूसरी लेग के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से, और लेग रखने के ऊपर अपने हाथों को ऐसे ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे सीधे, और सांस छोड़ते हुए ये जैसे हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं तो सांस लेते हुए ले जाएंगे, सांस भर लिया। अब सांस छोड़ते हुए आपने जो आपकी चेस्ट एरिया उसको उठाएंगे, हल्का सा उठाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं उठाना है, जितना आपसे उठ पाता है बहुत धीरे से, और एक हाथ को उठाएंगे, एक आपका हाथ उठेगा उसके साथ ही। देखिए कैसे, दस रेपिटेशन के बाद आपको दूसरे हाथ को उठाना है। अब ये आपके 20 रेपिटेशन हो गए। अब आपको लेग चेंज करनी है इस तरीके से, और फिर आपको इस हाथ को ही उठाना है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई। इस तरीके से आप लेग को चेंज करके और दोनों हाथों की मदद से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद 10 सेकंड का हम रेस्ट ले लेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में अपने पैरों को आप जोड़ लेंगे, जैसे हाथों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद आपकी जो लेग्स है उसको इस तरीके से दोनों साइड में फैला लेंगे। आपके नी बैंड होने चाहिए इस तरीके से, जितना आप लेग्स को फैला के जमीन पर टच करा सकते तो टच करा देंगे, नहीं करा सकते तो इस तरीके से रख लेंगे। और उसके बाद अपने हाथों को सीधा ऊपर, इस पोजीशन में आपको ऊपर उठना है। ध्यान रखना है हाथ आपके सीधे रहे, इस तरीके से ना जाए। इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके टमी के ऊपर आएगा। जो दोनों एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके टमी के ऊपर आएगा। और जो ये एक्सरसाइज मैंने दूसरी बताई है, तो आपकी जब थाई ऐसे रहती है तो इनके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ रहा है। जब आप ऐसे उठते हैं तो पूरा जो एब्डोमिनल एरिया है आपका, इसके ऊपर पूरा स्ट्रेस आ रहा है। तो अगर आप ऐसा जितनी भी आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, जितने टाइम के लिए, पहले 10 रेपिटेशन किए, बाद में आप 20 करने लगे, जितना आप बढ़ाते हुए करते हैं उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तीसरी एक्सरसाइज में आप इस तरीके से बैठ जाएंगे। आपके पंजे जो है बाहर की तरफ ऐसे फैले हुए रहने चाहिए, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, मतलब पूरा पैर आपका उल्टा फैला हुआ होना चाहिए। और आप इस पोजीशन में अपनी जो नी है उनको अच्छी तरह से खोल लेंगे, पूरा खोल लेंगे ऐसे। अब आपको क्या करना है, हाथों को ऐसे करना है और सांस छोड़ते हुए कमर को पीछे ले जाना है,
जब हम कमर को पीछे ले जाते हैं तो हमारा जो पेट होता है वो अंदर की तरफ शक होता है। तो देखिए कैसे, सांस छोड़ते हुए और पेट अपने आप ही शक होगा। और ये जितनी बार भी हम इस रेपिटेशन बढ़ाते हैं इस एक्सरसाइज की, तो उतने टम्मी के ऊपर इफेक्ट आता है। तो चलिए देखिए कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में आपका लेग का भी जोर लग रहा है, आपके जो काफ मसल्स हैं इनका भी मतलब इफेक्ट आ रहा है बॉडी के ऊपर, क्योंकि आप बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। जब ये एक्सरसाइज आप करते हो तो आप पूरी ताकत लगाते हो, यहाँ से भी कि आप पीछे ना गिर जाओ। तो इसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, यानी बॉडी अपना प्रेशर लगा रही है आपको रोकने के लिए। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी आपका वेट घटाने में। तो तीन एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो कि बेली फैट को कम करेगी, तो ये आप डेली करें। और इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज अभी बता रही हूँ इसको इनके साथ में इंक्लूड कर लें, यानी आपके जो कोर मसल्स हैं उनको मजबूत करती है एक्सरसाइज, ये मैंने पहले भी बताई थी, तो इसको जरूर आप डेली करें। अब फिर से आपको याद दिला रही हूँ, इसको आप एक्सरसाइज से पहले भी करें और एक्सरसाइज के बाद भी करें, आपके जो कोर मसल्स हैं इनको मजबूत करती हैं। तो उम्मीद है आज की एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होंगी और आप इन एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करेंगे अपने बेली फैट को कम करने के लिए। इसके साथ ही मैंने पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइज बताई हैं, सिर्फ एक एक्सरसाइज जो कि आपके बेली फैट को कम कर सकती है वो भी मैंने बताई है, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन एक्सरसाइज का फायदा उठाएं, और आपकी जो भी कमेंट्स हैं, आपकी कुछ भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।